हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो नाइस। आज मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी ये MEG 10 इग्नो के सब्जेक्ट का टॉपिक है, तोरू दत्त अजर्शन ऑफ इंडियन लाइफ। इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं, मतलब अजर्शन ऑफ इंडियन लाइफ ऑफ तोरू दत्त में एक तो द दत्त फैमिली एल्बम, नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ तोरू दत्त, नेक्स्ट है तोरू दत्त लिटरेरी करियर, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तोरू दत्त एज द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश वूमेन राइटर। तो आज मैं आपको सबसे पहले तोरू दत्त के बारे में बताऊंगी। इन दिस यूनिट वी शैल अटेम्प्ट अ रीडिंग ऑफ द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश वूमेन राइटर तोरू दत्त। उन्होंने क्या बोला है, इस सेक्शन में हम इंडियन इंग्लिश वूमेन राइटर थी जो तोरू दत्त, उसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में करेंगे। शी वॉज बॉर्न इन टू द दत्त फैमिली, उनका जन्म दत्त फैमिली में हुआ था जो कलकत्ता की फेमस फैमिली थी। फेमस इवन देन फॉर देयर लिटरेरी अकम्पलिशमेंट, वो फेमस क्यों थी, लिटरेरी अचीवमेंट्स के कारण। द यूनिट विल ऑल्सो ऑफर अ कमेंट ऑन हर लिटरेरी इम्पोर्टेंस अमंगस्ट अदर इंडियन इंग्लिश वूमेन राइटर्स। मतलब ये जो यूनिट है कमेंट ऑफर करती है लिटरेरी इम्पोर्टेंस, मतलब तोरू दत्त की जो लिटरेरी इम्पोर्टेंस थी वो इंडियन इंग्लिश वूमेन राइटर से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी जो डेथ है बहुत जल्दी हो गई थी, वो 21 एज की थी जब वो एक्सपायर हो गई थी, और 21 एज में ही उन्होंने काफ़ी राइटिंग्स की जिसके कारण वह बहुत फेमस हो गई थी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। द रामगन दत्त फैमिली वर कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी। जो रामगन दत्त फैमिली थी कलकत्ता में, वो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में चेंज हो गई, मतलब क्रिश्चियन धर्म में। तोरू दत्त फादर, तोरू दत्त थी जो उनके फादर थे, उनका नाम था गोविंद चंद्र दत्त, जो क्या थे, एक बहुत अच्छे पोएट थे एंड अ लिंग्विस्ट। साइड में मैंने आपको मीनिंग दिए हुए हैं, ये देखो, लिंग्विस्ट होता है भाषाविद, जिसको लैंग्वेज की पूरी नॉलेज होती है। नेक्स्ट है हु हैड पब्लिश्ड द दत्त फैमिली एल्बम, जो तोरू दत्त के पिता थे उन्होंने ही दत्त एल्बम पब्लिश की थी 1870 में। नेक्स्ट है द लॉयल अवर पब्लिश किया था उन्होंने 1876 में, एंड चेरी स्टोन्स उन्होंने पब्लिश किया था 1881 में। अलोंग विद हिज ब्रदर ग्रीश चंद्र, किनके साथ मिलके, गोविंद चंद्र के एक ब्रदर थे ग्रीश चंद्र, उनके साथ मिलकर। वाइल हर मदर कशेत्रमणि, उनकी माता का क्या नाम था, कशेत्रमणि, हैड ट्रांसलेटेड द ब्लड ऑफ क्रिस्ट फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, उन्होंने द ब्लड ऑफ क्रिस्ट को इंग्लिश से बंगाली लैंग्वेज में चेंज कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स इवन हर अंकल्स वर प्रोलिफिक राइटर, उसके तोरू दत्त के पेरेंट्स के अलावा उनके जो अंकल, मतलब चाचा थे, वो भी एक अच्छे राइटर थे। नेक्स्ट, इसका फर्स्ट टॉपिक मैं आज आपको करवाऊंगी द दत्त फैमिली एल्बम, मतलब दत्त फैमिली की फुल एल्बम जो उन्होंने, मतलब तोरू दत्त के फादर गोविंद चंद्र दत्त ने 1870 में बनाई थी। अराउंड द मिडल ऑफ 19th century, मतलब 19th century के मिडल में आप बंगाली फैमिली बाय द नेम ऑफ दत्त, मतलब एक बंगाली फैमिली थी दत्त, जो कहाँ पे रहते थे, रेजिडेंट्स ऑफ रामगन कलकत्ता, मतलब कलकत्ता के रामगन में, केम इन टू लिटरेरी प्रोमिनेंस,
लिटरेरी प्रोमिनेंस, ये साइड में मीनिंग दिया हुआ है मैंने, लिटरेरी प्रोमिनेंस इसका मतलब होता है साहित्यिक प्रमुखता। बाय वर्च्यू, वर्च्यू तो आपको पता ही है सदाचार, ऑफ देयर पब्लिश्ड राइटिंग्स इन इंग्लिश, मतलब दत्त फैमिली रामगन कलकत्ता में रहती थी, मतलब कलकत्ता के रामगन एरिया में रहती थी, जो क्या थी साहित्यिक प्रमुखता उनकी किस में थी, इंग्लिश राइटिंग्स में। द दत्त वर एन एक्सट्रीमली वेल, जो दत्त थे वो बहुत अच्छे थे। कनेक्टेड फैमिली विद इन द टॉप एशिलोन्स ऑफ कलकत्ता सोसाइटी, मतलब दत्त फैमिली थी किससे कनेक्टेड थी, कलकत्ता सोसाइटी के एशिलोन से। एशिलोन देखो इधर, एशिलोन का मीनिंग होता है सेक्टर, मतलब एरिया, मतलब जो टॉप पे होता है, मतलब टॉप सेक्टर से बिलोंग करते थे। नीलमोनी दत्त, तोरू दत्त ग्रेट ग्रैंडफादर, जो नीलमोनी दत्त और तोरू दत्त थे वो अच्छे दादा थे। हैड बिलोंग्ड टू अ टिनी ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस इन द 18th century, वो किससे बिलोंग करते थे, जो इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस के छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे। इवन इंग्लिश एजुकेशन ग्रुप के, मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे उनसे बिलोंग्ड थे। इवन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स होल्ड ओवर बंगाल, बंगाल जो कंसोलिडेटेड है उसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है पकड़ मजबूत करनी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अलोंग विद राजा राम मोहन राय एंड अदर्स, मतलब राजमोहन राय और दूसरों के साथ जो नीलमोनी दत्त थे उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली थी। और कुछ क्या थे, क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम इंग्लैंड हु अराइव्ड रिसेंटली इन इंडिया, मतलब कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज थे, नीलमोनी दत्त ने राजा राम मोहन राय और क्रिश्चियन मिशनरीज से जो पीपल थे वो इंग्लैंड से रिसेंटली ही इंडिया में आए थे। वन ऑफ दीज क्रिश्चियन मिशनरी, इसमें से एक क्रिश्चियन था फादर कैरे, हु सब्सिक्वेंटली फाउंडेड द सिरमपुर कॉलेज। सब्सिक्वेंटली होता है बाद में, जो ये दिया हुआ है इधर सब्सिक्वेंटली बाद में, जो फादर कैरे थे उन्होंने बाद में क्या किया था, सिरमपुर कॉलेज की स्थापना की थी। फाउंडेड होता है स्थापित करना, मतलब स्थापना की, किस बेस पे की थी उन्होंने, एन इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट ओनली इन इम्पोर्टेंस टू द हिस्टोरिक हिंदू कॉलेज, मतलब जो हिस्टोरिक हिंदू कॉलेज था कलकत्ता में उसकी जितनी महत्ता थी उसके बेस पर फादर कैरे ने सिरमपुर कॉलेज की स्थापना की थी। द हिंदू कॉलेज इन्फ्लुएंस इम्पाइंस्ड, मतलब इम्पाइंस्ड मीन्स होता है टकराना, ऑन द दत्त थ्रू द ऑफिस हेल्ड बाय रोजोमोय नीलमोनी एल्डेस्ट सन, नीलमोनी का बड़ा बेटा रोजोमोय था जिसने एक ऑफिस बनाया था, उस ऑफिस के इन्फ्लुएंस से जो दत्त थे वो अपने आप को प्रभावित करते थे, मतलब खुद को प्रभावित करते थे। रोजोमोय एल्डेस्ट सन, जो रोजोमोय का एल्डेस्ट सन था, मतलब बड़ा बेटा था, गोविंद और गोविंद दोनों क्या थे, हिंदू कॉलेज के स्टार थे, मतलब स्टार गिने जाते थे, जिन्होंने किसके अंडर स्टडी की थी, हु स्टडीड अंडर द लीजेंडरी प्रोफेसर डेविड लेस्टर रिचर्डसन, जिन्होंने एक महान प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज के डेविड लेस्टर रिचर्डसन, उसके अंडर इन्होंने स्टडी की थी। अ टीचर टू ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त एंड कलीग ऑफ हेनरी, जो ये प्रोफेसर थे वो माइकल मधुसूदन के टीचर थे और हेनरी लुइस विवियन डरेजियो के सहयोगी थे, मतलब फ्रेंड थे। अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ रिचर्डसन, गोविंद चंद्र दत्त लर्न टू रिसाइट शेक्सपियर एंड टू पार्टिसिपेट इन थियोरेटिकल परफॉर्मेंस एट हिंदू कॉलेज। जो गोविंद चंद्र दत्त थे उन्होंने रिचर्डसन की प्रोटेक्शन, मतलब के अंडर शेक्सपियर को पढ़ाना और हिंदू कॉलेज में कोई भी कॉम्पिटिशन, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करना सीख लिया था।
गोविंद यंगर ब्रदर, गोविंद के छोटे ब्रदर हरचंद्र दत्त और गिरीश चंद्र दत्त दोनों वर सिमिलैरिटी ब्राउट इनटू द एम्बिट ऑफ इंग्लिश स्टडी. एम्बिट होता है सर्कल. जो गोविंद थे वो अपने दोनों भाइयों को भी इंग्लिश स्टडी के सर्कल में ले आए थे. द फैसिनेशन ऑफ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर विच वॉज शेयर्ड ट्रेट ऑफ ऑल दत्त ब्रदर्स, ईच ऑफ हुम अटेम्प्टेड टू राइट इन इंग्लिश एज वेल एज पार्शली स्टेम्ड फ्रॉम अ कल्चरल मिलियू इन विच बंगाली वॉज नॉट परसीव्ड एज अ क्लासिक लैंग्वेज एंड इंग्लिश वॉज रिगार्डेड एज ओनली अथेंटिक मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन फॉर एजुकेटेड इंडियन. इसका मतलब है जो उनके ब्रदर थे और गोविंद थे, तीनों में मतलब जो भी ब्रदर थे तीनों में सेम क्वालिटीज पाई जाती थी, मतलब सेम क्वालिटीज के थे तीनों, मतलब तीनों को इंग्लिश में पूरा इंटरेस्ट था. और जब वो इंग्लिश की स्टडी कर रहे थे तब क्या था, जो बंगाली थी उसे एक क्लासिक लैंग्वेज नहीं माना गया था और इंग्लिश को एक ऐसी लैंग्वेज माना गया था जिससे क्या है, इंडियंस मतलब इंडियंस अपनी एजुकेशन और अपनी सेल्फ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इंग्लिश रिगार्डेड एज अ सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, उसके लिए इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज. दैट टाइम बंगाली वॉज नॉट परसीव्ड एज अ क्लासिक लैंग्वेज, मतलब बंगाली को क्लासिक लैंग्वेज नहीं माना गया था. राइटिंग इन द वेक ऑफ द राइटिंग्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो एंड माइकल मधुसूदन दत्त, ये जो तीनों थे, राजा राम मोहन, हेनरी और माइकल, तीनों क्या थे, दत्त फैमिली थी जो रामगढ़ में, तीनों उसके मेंबर थे. उन्होंने क्या देखा था, फेल्ट दैट इंग्लिश वॉज बाय राइट देयर मोस्ट नेचुरल व्हीकल फॉर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ. उन्होंने भी यही एग्री किया, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे एक बंदा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम द सन्स ऑफ रोजोमय दत्त, मतलब रोजोमय दत्त के अलावा देयर कजन्स, मतलब उनके चचेरे भाई, मतलब चाचे के बेटे या कोई और कजन्स, शोषी चंद्र दत्त एंड ईशान चंद्र दत्त, दो कजन थे, वर एविड राइटर्स इन इंग्लिश. एविड होता है ईगर, मतलब उत्साह, उत्तेजित होते हैं जो, उनको भी इंग्लिश में राइटिंग्स करने का एविड था, मतलब उत्साह था. ऑफ देम ऑल शोषी चंद्र परहैप्स हैड द मोस्ट इम्प्रेसिव एरे ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोस एंड वर्स रेंजिंग फ्रॉम सीनियस वर्सेस. यहाँ तक देखो, पहले जो शोषी चंद्र थे उनको, उनके पास क्या थी, एरे ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्रेसिव एरे ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फुल स्टैक था, मतलब बहुत सारी उनके प्रोज और वर्स थे. उनमें से क्या क्या है, एक तो है मिसेलेनियस वर्स, 1848 में बनाया गया, टू बंगालियन, अ डिश ऑफ राइस एंड कड़ी एंड अदर इनजेस्टिबल इंग्रेडिएंट्स, ये बनाया गया उनका 1892 में. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण प्रोडक्शन, जो क्या थी, अ विजन ऑफ सुमेरु. इसमें क्या था, अ विजन ऑफ सुमेरु एंड अदर पोएम्स, ये कब बनाई गई, 1878 में. इसमें क्या था, द स्पिरिट ऑफ जेसुस इज शोन टू ओवरकम, मतलब जो आत्मा थी ईसाई की, मतलब जेसुस की जो आत्मा थी वो क्या थी, ओवरकम करना चाहती थी किसको, पैंथियन ऑफ हिंदू गॉड्स. पैंथियन होता है देवताओं के मंदिर. हिंदू गॉड्स कौन कौन थे, ब्रह्मा विष्णु शिवा एंड अदर्स, जो भी थे हिंदू देवताओं के मंदिर में, उनको ओवरकम करना चाहता था. इन अनदर प्रोडक्शन, उसकी और कौन कौन सी प्रोडक्शन थी, रियलिटीज ऑफ इंडियन लाइफ, मतलब इंडियन पीपल की लाइफ की रियलिटीज और स्टोरीज, जो कहाँ से कलेक्ट की गई थी, फ्रॉम द क्रिमिनल रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया से. नेक्स्ट थी टू इलस्ट्रेट द लाइफ, मतलब लाइफ के एग्जांपल एक्सपीरियंस बताता है, और स्टोरीज
मैनर्स एंड कस्टम ऑफ इट्स पीपल, और लोगों के रीति रिवाज, मतलब इंडियन लाइफ के बारे में सारी प्रोडक्शन की गई थी उसकी। द डोमिनेंट परस्पेक्टिव, डोमिनेंट परस्पेक्टिव इज अगेन दैट ऑफ, अगर डोमिनेंट वे से देखा जाए, वेस्टर्न कॉलोनियल थे वो क्या थे, ईस्टर्न कॉलोनियल को दोबारा देखना चाहते थे। किस एटीट्यूड से देखना चाहते थे, तिरस्कार और घृणा। अगर वो कहते थे विद एन एटीट्यूड ऑफ डिसडेन मिक्स्ड विद डिस्गस्ट, अगर वो हमारा तिरस्कार करेंगे तो हम उनके साथ वैसे ही घृणा करेंगे। द सेम एटीट्यूड, वो कहते सेम एटीट्यूड करेंगे, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम, मोर और लेस। मे बी डिसर्न, डिसर्न्ड होता है पहचानना। यही हमें उनकी ऐसे और पोएम्स जो पब्लिश की गई थी उनके ब्रदर ईशान चंद्र द्वारा, इनकी प्रोडक्शंस में हमें यही देखने को मिला है। इन द राइटिंग ऑफ गोविंद चंद्र, हरचंद्र, ग्रेस चंद्र, रोजमोय, इन चारों की राइटिंग्स में क्या देखने को मिला है, ये कैसी थी, मतलब इसमें कंप्लीट डिपेंडेंस नहीं थी इंग्लिश कल्चर मॉडल पर और ना ही रोमांटिक राइटर पर। अगर हम मैटर ऑफ फॉर्म, मतलब फॉर्म के मैटर में देखें, बट इन मैटर ऑफ कंटेंट या फिर कंटेंट के मैटर में देखें, यहाँ क्या है, डिबेजिंग। डिबेजिंग होता है डेप्रिशिएट, एग्जीबिशन आप सभी को पता ही है, ऑफ सर्विलिटी। सर्विलिटी होता है चापलूसी, मतलब चापलूसी दिखाई गई है किसके टॉवर्ड, इंग्लिश पॉलिटिकल मास्टर ऑफ इंडिया के। द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ दत्त, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दत्त की क्या है, डिवोटेड एंग्लोफाइल, मतलब जिन्होंने एंग्लोफाइल डिवोट की थी। इसमें क्या था, एक बुक लाई गई थी ग्रीस चंद्र के द्वारा, किसकी सेलिब्रेशन में, जो भी इंडिया विजिट किए थे 1869 से लेके 1875 के ड्यूरिंग। इसमें क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स एंड ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इस पोयम के अंडर है। इसमें उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी जो वेल्स का प्रिंस था और ड्यूक था एडिनबर्ग का। द लॉयल अवर्स पोयम्स, वेलकम किया जाता था उनका, प्रिंस ऑफ वेल्स और एडिनबर्ग के ड्यूक का, ऑन देयर एडवेंट टू इंडिया 1869 एंड 1875। द पैट्रियोटिक, इनके बारे में मैं आपको एक और बता दूं, जो ग्रीस चंद्र थे और उनके ब्रदर थे गोविंद चंद्र दत्त, उन्होंने पब्लिश की थी 2 वॉल्यूम पोइट्री। एक तो थी चेरी स्टोन्स जो 1881 में बनाई गई, एंड चेरी ब्लॉसम्स 1889 में बनाई गई। 2 वॉल्यूम थी चेरी स्टोन्स और चेरी ब्लॉसम। हरचंद्र ऑल्सो पब्लिश्ड, जो हरचंद्र थे उन्होंने पब्लिश्ड की थी फगेटिव पीस, लोटस लीव्स और पोएम्स चीफली ऑन एनिसेंट इंडियन सब्जेक्ट, ये हरचंद्र की थी 2 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री थी हरचंद्र की। कॉमन फीचर इन दी राइटिंग्स ऑफ दत्त सिबलिंग्स, मतलब जो दत्त के बच्चे थे उनकी क्या थी राइटिंग्स, सेम थी, मतलब सभी ने जो जो भी राइटिंग्स की थी उनमें कॉमन फीचर थे। एंड इन कीपिंग विद मच ऑफ द राइटिंग्स इन बंगाल इन द 19th century एज अ होल, उन्होंने जो भी राइटिंग की थी मोस्टली क्या थी, बंगाल में की थी। दी एल्डेस्ट ऑफ द दत्त ब्रदर, मतलब दत्त का जो एल्डेस्ट ब्रदर था गोविंद चंद्र, हिमसेल्फ पब्लिश्ड ओनली 1 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, जिसने क्या पब्लिश की थी, 1 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, बट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग दिस पोएम, मतलब जिसने भी पोएम्स लिखी थी अलग अलग, क्या था, उनको इंटीग्रेट कर दिया था। एंड अदर रिटन बाय हिज ब्रदर, कुछ उसके ब्रदर की लिखी हुई थी, कुछ उसके नेफ्यू उमेश चंद्र दत्त की, उस सभी को उसने इंटीग्रेट करके किसमें इंक्लूड किया, दत्त फैमिली एल्बम, जो कब बनाई गई थी 1870 में। नेक्स्ट है
द दत्त फैमिली एल्बम कंप्राइज होता है शामिल करना, एन अजोटमेंट, अजोटमेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, कंप्राइज शामिल, अजोटमेंट क्लासिफिकेशन, उसमें उसने क्या शामिल किया था, पोएटिक जर्न्स, पोएटिक जर्न्स क्या होते हैं, जिसमें लाइरिक्स थे, सोनेट्स थे, बैलेड्स, नरेटिव पोएम्स एंड इवन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की गई थी फ्रेंच और जर्मन की, जर्मन पोएट्री की। द ऑथरशिप ऑफ इंडिविजुअल पोएम इन द एल्बम इज नॉट रिवील्ड एंड द एल्बम इज प्रेजेंट टू रीडर एज अ कॉर्पोरेट फैमिली वेंचर, मतलब इस जो एल्बम की ऑथरशिप कोई भी नहीं थी, बस इसको क्या है, रीडर को प्रेजेंट किया गया था एक फैमिली की तरफ से, थ्रू विदाउट एनी ऑब्वियस सब्सिक्वेंस और स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, बस ये दत्त फैमिली एल्बम की तरफ से लिखी गई थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ दत्त फैमिली एल्बम इन द हिस्ट्री इंडियन इंग्लिश राइटिंग, मतलब ये क्या है, हिस्ट्री में इंडियन इंग्लिश राइटिंग के रिलेटेड थी। डियोडोर डन रिमार्क्ड लॉन्ग अगो, डन ने क्या रिमार्क किया था कुछ साल पहले, अ मेमोरियल ऑफ अ गिफ्टेड फैमिली, ये क्या है, मतलब उस फैमिली की तरफ से गिफ्ट है, एंड टेस्टिमोनी टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दस इंग्लिश टीचर, इससे कौन कौन से हायर टीचर इन्फ्लुएंस हुए, वर द फर्स्ट टू इनकरेज हायर लर्निंग इन द सिटी ऑफ कलकत्ता, जिन्होंने क्या था, मतलब हायर लर्निंग की कलकत्ता सिटी में हिंदू कॉलेज में। बस इसमें यही बताया गया है कि तोरू दत्त उस फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब दत्त फैमिली से बिलोंग करती थी, दत्त फैमिली में और भी राइटर्स थे जो तोरू दत्त के मतलब बहन भाई थे, उनकी एज भी काफ़ी छोटी थी, पर उन्होंने भी बहुत सारी राइटिंग की और फेमस हुए। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोज ऑफ न्यू टॉपिक्स। थैंक्स।